महज चाय बेचकर गुजर बसर करने वाले कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव में रहने वाले राजकुमार को जब इस बात का पता चला कि राजकुमार ने अलग अलग बैंकों से तकरीबन 51 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वो बैंक से लोन लेने पहुंचा था। लोग बिजनेस करने के लिए बड़ा लोन लेते हैं, मगर क्या कभी आपने सुना है कि कोई शख्स रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 51 करोड़ का लोन ले। दरअसल ऐसा हैरान करने वाला एक मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आया है। यहाँ एक चाय वाले पर इतनी बड़ी रकम का लोन है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वह इसकी किश्तों को चुकाने के लिए बैंक से 50,000 का और लोन लेने पहुंच गया। कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव में रहने वाले इस चाय वाले का नाम राजकुमार बताया जा रहा है। वो आहुवालिया चौक पर चाय बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता है। उसका कहना है कि लॉकडाउन के चलते काम धंधा ठप हो गया, ऐसे में घर का खर्च चलाने के लिए उसने कुछ लोन लिया था, मगर अब उस लोन को चुकाने के लिए वो एक फाइनेंस कंपनी से 50,000 रुपये का लोन लेने पहुंचा, लेकिन उस पर पहले से इतने भारी भरकम कर्ज का बोझ देखकर कंपनी ने उसे लोन देने से मना कर दिया। कंपनी का कहना है कि राजकुमार ने अलग अलग बैंकों से तकरीबन 51 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है, ऐसे में उसे अब और लोन नहीं दिया जा सकता। वहीं खुद पर इतने बड़े पैमाने पर लोन की बात सुनकर चाय वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका कहना है कि उसने कभी इतना कर्ज लिया ही नहीं, ये बैंक की गलती की वजह से हुआ है। इसके लिए उसे लापरवाही को ठीक किए जाने और जिस स्तर पर गड़बड़ी हुई है उसे दुरुस्त करने को कहा है। इस बारे में लीड बैंक के मैनेजर का कहना है कि तकनीकी खामी के कारण ऐसा होने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए इस शख्स को अपने संबंधित ब्रांच मैनेजर से संपर्क करना चाहिए।